सब मिठाई मेरी, सब मिठाई मेरी, तुम्हारा टाइम खत्म हो गया, ये मिठाई मैं घर ले जाऊंगा, सब मिठाई मेरी। अरे 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 हरी, ऐसा मत कर, मेरे मुंह से मिठाई छीन कर मत ले जा। अरे रुक रुक, अरे तू क्यों ले जा रहा है? सुबह सुबह इतना अच्छा मिठाई का सपना देख रहा था, वो हरी के वजह से मेरा ही मिठाई नमकीन हो गया। कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने तो सुना था कि सुबह का सपना सच होता है। अरे सुबह सुबह क्या खाऊं, बहुत खाने का मन कर रहा है। अब मुझे सुबह सुबह क्या मिलेगा खाने को? देखता हूँ। बहुत स्वादिष्ट था। अरे ये क्या किया आपने? शिवरात्रि के लिए मैंने सारा दूध इकट्ठा करके रखा था और आप सारा पी गए। ये क्या किया आपने? आपने ऐसा क्यों किया बताइए? सारा दूध मैंने अपने पेट के अंदर डाल दिया। मुझे बहुत भूख लगी थी ना, इसलिए। अरे आप कुछ भी बकवास करते हो। हाँ अभी मैं हरी मिठाई वाले के पास जाकर एक कटोरी दूध लेकर आता हूँ। मिठाई वाले ने सीधा सीधा बोल दिया, वो हमें कभी अब दूध नहीं देगा। क्यों नहीं देगा दूध? क्योंकि आप हरी की दुकान में बैठ के सिर्फ नजर डालते हैं और इसके लिए उसका धंधा मंदा चल रहा है, और इसलिए हरी ने बोल दिया है अगर आप उसके दुकान के पास भी दिखोगे ना तो वो युद्ध लगा देगा। अच्छा वो युद्ध करेगा? मैं भी जाकर देखता हूँ कि कैसे युद्ध करता है। खाओ खाओ, तुम आराम से मिठाई खाओ, आज कैलाश को तुम मेरी दुकान पे देख नहीं पाओगे। ये आपने काम का काम किया है भैया जी, वरना कैलाश भैया तो हमें इतना लालच देते हैं कि हमारा तो पेट ही खराब हो जाता है। अरे किधर है हरी बदमाश, मेरे सामने आ तो सही तू, बबी बताता हूँ तुझे। वो देख कैलाश आ रहा है, सारी मिठाई अपने पेट में डाल देते हैं तो वो डाल देगा। क्या मेरे लिए तेरा बिजनेस कम हो रहा है? बोलता क्यों नहीं? हाँ बिल्कुल नहीं होती, अगर तुम मेरी दुकान पे आके बैठते हो ना तो सब तुमसे डरते हैं और मेरी मिठाई का धंधा भी नहीं होता। तुम इंसान नहीं हो, तुम इंसान के रूप में बहुत बड़ी मक्खी हो, मक्खी। तू मुझे मक्खी बोलकर मेरा अपमान कर रहा है? हाँ मक्खी को तो मक्खी ही बोलूंगा ना, और क्या। मैं मक्खी हूँ ना, तो मैं तुझे आज मजा चखाऊंगा, आज तू देखते रहियो। हाँ बताता हूँ तुझे मैं कि मक्खी क्या कर सकती है। मेरे सपने में मैं मिठाई खा रहा था तो तूने मेरी मिठाई लेकर तू चला गया, पर तब मैं तेरे को पकड़ नहीं पाया था, पर अब मैं तुझे पकड़ के बताता हूँ। ये तू समझ ले कि जो तू अपमान कर रहा है उसका बदला लूंगा मैं तुझसे। इतनी बड़ी हिम्मत, मुझे कहता है मक्खी अब मैं बदला लेकर ही रहूंगा, और जब तक उसको मजा चखा ना दू अब मैं उसको मजा चखाऊंगा और उसको जलेबी की तरह बना दूंगा, तब तक मैं एक भी दाना दांत से नहीं काटूंगा। हाँ बिल्कुल, अब तो भूख लग गई, खाली पेट काम भी कैसे करूँ, कुछ खाना पड़ेगा, खाली पेट मेरा दिमाग काम कैसे करेगा। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पर ये खुशबू आ कहाँ से रही है? तो यहाँ कोई मिठाई बना रहा है और दूध से खोया भी बना रहा है, अंदर से खुशबू आ रही है, जाकर देखना पड़ेगा। क्या हुआ बर्फी, तुम मेरे पेट में जाने के लिए रो रहे हो? बोलो। रुको मैं अभी तुम्हारा दुख दूर कर देता हूँ। आ जाओ तुम अब मेरे पेट के अंदर। ये तो हरी की दुकान से भी अच्छी मिठाइयाँ हैं।
ये तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। आप कौन हैं? मिठाई खरीदने आए हैं क्या? बोलिए। ना 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 ना, मेरा नाम कैलाश है, सब मुझे मोटा कैलाश कह के बुलाते हैं। हाँ देखो मैं यहाँ रास्ते से चल के जा रहा था तो तुम्हारी मिठाई की खुशबू सुनकर यहाँ चला आया तो तुम्हारी मिठाई मुझे यहाँ खींच लाई। ओह, तुम इतनी स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाते हो फिर भी तुम्हारे यहाँ पर एक भी ग्राहक क्यों नहीं है, बताओ? मैं गरीब मिठाई वाला हूँ, ना मेरे पास ज्यादा पैसा है और ना मेरे दुकान पे कोई काम करने वाले कर्मचारी हैं, इसलिए मैं अकेला हूँ। कितना दुख है तुम्हें, तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर मेरा दिल भी दुखी हो गया है। एक मिठाई खाऊं? तुम एक अच्छे मिठाई वाले ही नहीं एक अच्छे इंसान भी हो, बहुत ही अच्छे इंसान हो। तुम्हारी दुकान के लिए ग्राहक मैं लाऊंगा, क्योंकि कैलाश जो भी दुकान की मिठाई खाता है उस मिठाई का दुकान को लेकर किसी के मन में कोई दुविधा नहीं रहती है। इसलिए अब तुम कमर कस के काम पे लग जाओ, तुम्हारे दुकान के लिए ग्राहक मैं लेकर आऊंगा। अब तुम मिठाई बनाना शुरू कर दो। लेकिन भैया जी, मिठाई बनाने के लिए दूध लगता है और मेरे पास इतना दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं है। अरे रुको रुको रुको, मैं इसका भी कोई उपाय निकालता हूँ। तुम चिंता मत करो, कल तुम्हारे घर पर दूध पहुंच जाएगा और वो भी दिए हुए सही समय पर। तुम्हारी स्वादिष्ट मिठाई के लिए मैं दूध की नदियां बहा दूंगा। बस सुबह का ही इंतजार है, अब देखो कल सुबह क्या होता है। आप क्या कर रहे हैं भैया जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, ऐसे भी क्या दूध मिल सकता है, बताइए बताइए। अरे दिमाग रहेगा ना तो सब कुछ हासिल कर सकते हो। इसलिए लोग मेरे को बोलते हैं आधा मन कैलाश। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है, ये तो शुद्ध गाय का दूध है भैया जी। हाँ शुद्ध भी है और ताजा भी। लो 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 लो, अब मिठाइयाँ बनाना शुरू कर दो। हाँ भैया जी, हाँ मैं अभी जाता हूँ। जाता हूँ मतलब घर के अंदर मत जाओ, आज सारी मिठाइयाँ तुम बाहर ही बनाओगे और वो भी खुली हवा के नीचे, ताकि मिठाइयों की खुशबू से सारे ग्राहक मक्खियों की तरह तुम्हारे दुकान की तरफ आए। ठीक है बहुत अच्छा। आज शिवरात्रि है, आज ऊपर वाले को भोग चढ़ाने के लिए मेरे वहाँ से मिठाइयाँ बहुत लेंगे। अगर मिठाइयाँ लेंगे तो मेरा गल्ला भी भर जाएगा ना। क्या खुशबू आ रही है, यहाँ पर कोई मिठाई की दुकान भी है क्या? नहीं 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 नहीं, नहीं मुझे लग रहा है दुकान नहीं बनी है अभी। देख 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 देख, देख कैलाश भाई मिठाई की लालच में कैसे बैठ गए यहाँ पे। ये पेटू कैलाश भाई यहाँ पे बैठ के मिठाई खा रहा है, इसका मतलब यहाँ का मिठाई तो सच में बहुत अच्छा होगा। सुनो भाई, इस दुकान की मिठाइयाँ एक बार खाओगे ना तो मुँह में स्वाद लग जाएगा और तुम यही आओगे खाने के लिए।
इस मिठाई के सामने तो हरी की मिठाई भी फीकी पड़ जाती है। कैलाश भैया सही बोल रहे हैं, यहाँ की मिठाई तो सच में स्वादिष्ट है। दीजिए दीजिए और दीजिए, मुझे और मिठाई दीजिए। मेरे को 5 किलो गुलाब जामुन दे दो। दीजिए मुझे 2 किलो बर्फी देना भाई, मुझे दो ना भाई, मैंने पहले बोला है। ऐसा कैसे, आज सुबह से मेरे पास कोई मिठाई लेने ही नहीं आया। अरे भाई, अरे कहाँ जा रहे हो, आज मिठाई नहीं लोगे? अरे नहीं भैया, यहाँ एक नया मिठाई का दुकान खुला है, सब लोग तो वहीं से मिठाई खरीद रहे हैं। मैं भी वहीं जा रहा हूँ। हाँ, मैं भी वहीं से खरीदूंगा। नई मिठाई की दुकान, मुझे तो ये देखनी भी पड़ेगी। अरे ये क्या, हरी तू यहाँ कैसे आ गया? खुशबू सुन सुन कर आ गया है क्या? ओ अच्छा, ये सब तुम्हारा किया कराया है ना? तू दिखेगा, तू जलेगा और पूरी जैसा फूगेगा। हाँ सही कहा ना? ये तुमने ठीक नहीं किया कैलाश भाई, तुम्हारी वजह से मेरा धंधा चौपट हो गया है। और कैलाश भैया के कारण मेरे मिठाई का दुकान नए तरीके से शुरू हो गया। अच्छा कैलाश भैया, आपको ये शुद्ध दूध कहाँ से मिला बताइए, हमें भी तो पता चले। हाँ सुनो, इस पाइप का एक मुंह है ये तरफ और दूसरा मुंह वो दूर गांव में जो शिव मंदिर है ना वहाँ है। आज शिवरात्रि है ना, तो सारा का सारा दूध यहाँ गमले में आकर जमा हो रहा है। आज गाँव की सारी औरतें हरी के यहाँ दूध लेकर शिव के ऊपर अर्पण कर रही है, तो वो सारा का सारा दूध वो पाइप के जरिए यहाँ आकर गमले में जमा हो रहा है। है नहीं? हाँ, इस गरीब मिठाई वाले के पास दूध खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी मदद कर दी। अब इस मिठाई वाले को पैसे के बारे में सोचना नहीं पड़ेगा, सारे बंदोबस्त कर दिए हैं। अब बताओ हरी, कैसा लगा तुम्हें अपनी मक्खी का प्लान? कैलाश भाई तुम बहुत बुरे हो, दुष्ट कहीं के।